7 साल की बच्ची में बड़ी अपडेट आई है। नर बलि को लेकर सारा मामला जा वो सामने आया है। देवी को खुश करने के लिए ये साजिश जो रची गई है। पानीपत पुलिस ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूछेंगे कैसे जो है वो पकड़ में आया। सर क्या मामला था और कैसे पकड़ में आया आरोपी जी? ये 24 तारीख की जो वारदात थी और पुलिस को 25 तारीख को इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिस पर हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा 6 टीमें गठित की गई थी और सभी टीमें जो है वो अलग अलग एंगल से जांच कर रही थी, जिसके अंदर CIA फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ANC स्टाफ और SHO मोबाइल जो थी वो टीमें लगी हुई थी। और उस पर जब बारीकी से जांच की गई, जो जो वहाँ रह रहे थे अलग, तो सभी से अड़ोस पड़ोस से और से सभी से पूछताछ की गई, तो इनमें एक जो किराएदार था वो मिसप्लेस था, यानी उसके लॉक लगा हुआ था। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी की गई तो वो बंदा अलग अलग लोकेशन चेंज कर रहा था, उस पर अपडेट लेकर उसको गिरफ्तार किया गया। कहाँ से गिरफ्तार हुआ सर? क्या मारने की क्या मंशा थी इसकी? इसका ये काली देवी को मानता है और तांत्रिक विधा में निपुण होने के लिए ये इसने बच्ची का इसको दुष्कर्म करके और इसकी गला घोटकर हत्या की है। तो पहले भी कोई मामला है इसके खिलाफ? हाँ, इसके 2014 के अंदर थाना शहर यमुनानगर के अंदर इसके 7 साल बच्चे के साथ भी इसने ये दुष्कर्म किया था और 2015 के अंदर इसके 5 साल की सज़ा हो गई थी और 2019 के अंदर ये जेल से बाहर आया था। हराने के बाद ये यमुनानगर में भी इसके खिलाफ पर्चा दर्ज था। तो ये यमुनानगर का रहने वाला था और बंगाल किस लिए गया था सर? ये काली माता को मानता है और वहीं ये वारदात करने के लिए, ये तांत्रिक विद्या में निपुण होने के लिए वहाँ माता के मंदिर जाने के लिए गया था। सर ये दुष्कर्म जहाँ से बच्ची की लाश मिली वहीं किया गया था? हाँ, दुष्कर्म वहीं अभी प्रारंभिक जांच में यही आया है और बाकी गहनता से पूछताछ की जाएगी इसमें। तो बाई एयर ही लेके आ रहे हैं सर आप? हाँ, मुलजिम को बाई एयर लेके आ रहे हैं और कल पेश अदालत करके उसको रिमांड लिया जाएगा और गहनता से पूछताछ की जाएगी। कितना मुश्किल था सर, ब्लाइंड हो गया था ये सारा काम? ये बिल्कुल ही ब्लाइंड था और हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा ये बड़ी टीमें लगाकर और इसको जल्दी ही ट्रेस करवाया है और हमारे जो पुलिस अधीक्षक द्वारा जो एफर्ट्स किए गए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। CIA वन टीम भी बधाई के पात्र है, जल्दी जल्दी हो गया। हमारे जो CIA तीनों टीमें हैं और भी टीमें थी साथ लगी हुई थी, तो सभी बधाई के पात्र हैं जो कम समय में भी ब्लाइंड ये जो वारदात होने के बाद भी इसको इतना जल्दी ट्रेस किया है, इसको बधाई के पात्र हैं। लास्ट सवाल, कोई और भी आरोपी हो सकता है जिसमें? अभी प्रारंभिक जांच में यही आया है, अकेला ही आया है, बाकी गहनता से पूछताछ करेंगे। उस पूछताछ के अंदर जो भी आएगा वो आपको इसमें सूचना दे दी जाएगी। ASP विजय सिंह हमारे साथ थे। तो खुलासा हो गया, 7 साल की बच्ची के रेप के बाद मर्डर किया गया था और काली देवी को ये बलि जो थी समर्पित की गई थी। पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।